मध्य प्रदेश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए भाजपा के पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा जी से चर्चा। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और पूरे देश प्रदेश की नजर मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होकर सदस्यता के बाद से ही कमलनाथ सरकार पर लगातार संकट के बादल छा गए हैं और कमलनाथ को अपनी सरकार बचाने में पसीने छूट रहे हैं। सिंधिया के कांग्रेस को छोड़ने के बाद कमलनाथ सरकार पूरी तरह हिल गई है। फिर भी कांग्रेस नेता दावे कर रहे हैं कि हम सरकार गिरने नहीं देंगे। शर्मा जी ने बताया कि कमलनाथ सरकार को गिराने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और कमलनाथ सरकार के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे और इससे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी अब भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। जब एनडीटीवी टाइम न्यूज़ संवाददाता ने भाजपा के पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के माने जाने बड़े नेता है और वो कांग्रेस से त्रस्त होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे और वो हमेशा से ही जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में शामिल हुए थे। वो हमेशा जनता की सेवा करना चाहते हैं। आइए देखते हैं पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा। आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के पार्षद दिलीप शर्मा जी। आज इनसे हम बात करेंगे जो राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी कहती है हमारी सरकार बन चुकी है, उसमें अब कुछ भी कसर नहीं है, जहां की कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी सरकार गिरने नहीं देंगे। कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जो कांग्रेस का कहना है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सर क्या लगता है आपको? देखिए ना, हमने कांग्रेस की सरकार गिराने की कभी बात की है? कांग्रेस ही बोलती है, उनका खुद का अंतर्कलह है, उनके 22 विधायक उनके साथ नहीं है, वो हमारी पार्टी के नेता थोड़ी हैं, वो तो कांग्रेस के विधायक हैं। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम कांग्रेस की सरकार गिराएंगे, पर आज फ्लोर टेस्ट की हमने मांग की। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी लोगों ने मांग की कि भाई फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। जब अल्पमत में होती है तो कोई निर्णय करने का सरकार को संवैधानिक तौर पर कोई अधिकार नहीं होता है, और वो कर रहे हैं, जो कि इस जनता के साथ कहीं ना कहीं गुमराह है प्रदेश की। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब आपके पास बहुमत नहीं है, किसी की भी सरकार हो, अगर उसके पास बहुमत नहीं होता है, उसे नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा, कल फ्लोर टेस्ट है, और कमलनाथ जी हो चाहे उनके मंत्री हो, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं मानता उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो कल कमलनाथ जी ने दे दिया है, तो और कल फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना, तो कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, क्या है? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्यों किया? उनका स्वागत करते, सम्मान करते हैं। उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया सर, ये तो वही बताएंगे। और जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना विवेक कहता है कि उन्होंने जो ज्वाइन की है बीजेपी, उन्हें बहुत समय से कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी, उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा था। एक्चुअली वो जो करना चाहते थे, बीजेपी का जो अपना एक एजेंडा है, हम हमारे एजेंडे पे काम करते हैं, हमारे संगठन है, हम संगठन के हिसाब से काम करते हैं, और वहां संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, तानाशाह है। वहां कोई भी निर्णय अकेले कमलनाथ जी लेते हैं। हमारे यहाँ निर्णय जो होता है परिवार में बैठ के होता है, सामूहिक होता है। हमारी रीति नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो आज देश में जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, देखिए जब कोई भी सरकार रहे, सेंट्रल में आज मोदी जी हैं, तो उनका एक एजेंडा है, देश के लिए काम करना है, भारत माता के लिए काम करना है, इस देश की रक्षा के लिए काम करना है। आज काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां देखिए, नीचे जाके हम एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आज लगा लेता है, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई विकल्प नहीं है। जो जो सिंधिया जी ने भी बोला है, जब वो बीजेपी में आए तो उन्होंने बोला कि मैं मोदी जी के काम से बहुत प्रभावित हूँ, वो उनके कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहा हूं। तो ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि वाकई बड़े नेता है प्रदेश के,
और उन्होंने मोदी जी से प्रभावित होके उनके कामों से आज ज्वाइन करी। कांग्रेस वालों का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव हारा है कांग्रेस में, इसकी वजह से बीजेपी में शामिल हुए हैं कि जिससे उनको कुछ सीटें मिल सके और अच्छा पद मिल सके। ऐसा नहीं है, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है और मैं इन सब आरोपों को निराधार मानता हूँ कांग्रेस के। जब वो कांग्रेस में थे तो यही लोग उनकी खूब तारीफ करते थे कि हमारे महाराज हैं, जो सिंधिया जी का एक बड़ा कद है, ये है वो है, उनकी खूब तारीफ करते थे। और आज वही बोल रहे हैं, राजनीति का ये एक अच्छा आचरण का संदेश नहीं दे रहे, वो अच्छा आचरण नहीं है। वो आपके नेता थे तो अच्छे थे और बीजेपी में आ गए तो खराब हो गए, तो मैं नहीं मानता इसे। मैं आज भी ये मानता हूँ कि सिंधिया जी वाकई बहुत अच्छे नेता है, युवाओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, प्रदेश में युवा उनसे बहुत प्रभावित है, आकर्षित है उनकी तरफ कि भाई सिंधिया जी, सिंधिया जी। देखिए आप जब आज भी जब वो भोपाल आए दिल्ली से तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे जिस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हुआ, पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे, बहुत बड़े नेता हैं। और उनका जो एक उन्होंने बोला, खुद ने भी बोला कि मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ एक है, लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, उनकी समस्याओं को हल करना, और उसी को देख के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि यहाँ ये बीजेपी में ही संभव है। कांग्रेस में तो ट्रांसफर का उद्योग चल रहा है, सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, माफियाओं के हाथ में बिक गई है, क्योंकि माफिया का उन्होंने खात्मा नहीं किया, कुछ लोगों का खात्मा करके अपना स्वार्थ हल किया है, अपने लोगों को बचाया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए रोज मतलब सरकार की क्या स्थिति है, कमलनाथ जी को तो क्या बोलूं उनके बारे में कि सरकार अल्पमत है, पर अभी भी वो रोज ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर उद्योग, पैसा चाहिए। ऐसी सरकार को इस प्रदेश की जनता अब नहीं रहने देगी। उनके खुद के विधायक बोल रहे हैं, जो जस सिंधिया जी ने बोला है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार जो अपने वचन पत्र पे खरी नहीं उतरी, ट्रांसफर उद्योग चला रखा है, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज बोलते थे, आज वो विभीषण क्यों बोलने लगे? देखिए वो बड़े नेता है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मेरे लिए शिवराज जी भी हमारे बड़े नेता है और जो है सिंधिया जी भी नेता है, वो उनका आपसी मामला है। पर हाँ, कमलनाथ की लंका में अब आग लगना शुरू हो गई है और पूरी लंका जो है वो ध्वस्त हो गई। तो आपको क्या लगता है कल के प्रोटेस्ट में क्या होने वाला है? ये तो कांग्रेस बताएगी, क्योंकि हमारे विधायक तो हमारे पास है, जो हमारे 107 है विधायक उनके गए हैं। चिंता कमलनाथ जी को करना चाहिए, उनकी सरकार अल्पमत में है, उन्हें मानना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रदेश में उनका नेतृत्व उनके खुद के विधायकों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और उनके विधायकों ने यह माना कमलनाथ की सरकार अच्छा काम प्रदेश में नहीं कर रही है, इसलिए उन 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें से 6 तो उन्होंने कल एक्सेप्ट कर लिए उनके विधानसभा अध्यक्ष जी ने। तो अब महामहिम जी ने चूंकि पत्र लिखा है, विधानसभा अध्यक्ष जी से उन्होंने बोला है कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं, तो उनको कराना चाहिए। माननीय महामहिम राज्यपाल जी जो भी निर्णय कर रहे, क्योंकि अब जो कुछ है माननीय महामहिम के हाथ में है, कल उनका जो उद्बोधन है उसके पश्चात फ्लोर टेस्ट कराएंगे, उसके पहले कराएंगे, माननीय राज्यपाल जी पे निर्भर करता है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार जो है अल्पमत है, मैं तो बोलना चाहता हूँ चलकर आदम से कि कमलनाथ जी को नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनके पक्ष में प्रदेश की जनता भी नहीं है, उन्हें 22 विधायकों ने नकार दिया। मेरा 28 साल का राजनीतिक करियर है, मैंने ऐसा 28 वर्ष में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में विधायक अपने नेता को नकार दे। मतलब कहीं ना कहीं उनकी नेतृत्व क्षमता में कमी है, उनकी नेतृत्व क्षमता नहीं है, इस कारण 22 विधायक चले गए।